नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। उत्तरकाशी टनल से रेस्क्यू किए गए 41 मजदूर आज आ सकते हैं अपने घर। सभी को ऋषिकेश एम्स में कराया गया था भर्ती। सब कुछ सही रहा तो आज उत्तरकाशी टनल से रेस्क्यू किए गए सभी 41 मजदूर अपने घर जा सकेंगे। फिलहाल सभी 41 मजदूर ऋषिकेश एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती है, जहाँ उनके कुछ टेस्ट किए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट आज आ जाएगी। उम्मीद है कि सभी रिपोर्ट सही आने के बाद मजदूरों को ऋषिकेश एम्स से छुट्टी दे दी जाएगी। नगर पंचायत अध्यक्ष पुरोला और मंगलौर नगर पालिका अध्यक्ष के मामले पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। नगर पंचायत पुरोला उत्तरकाशी के अध्यक्ष हरिमोहन नेगी के बर्खास्त के मामले और हरिद्वार मंगलौर नगर पालिका के अध्यक्ष हाजी दिलशाद की शक्तियों को सीज करने के मामले पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। दोनों ने शासन की इस कार्रवाई के खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। आज रिटायर्ड हो रहे उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार महारा बोले, जाते जाते अपने ऊपर दाग जरूर लगा लिया। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार आज 30 नवंबर को उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक के पद से रिटायर्ड हो रहे हैं। रिटायरमेंट से पहले डीजीपी अशोक कुमार प्रेस वार्ता की थी, जिसमें उन्होंने अपने 34 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा मीडिया के सामने रखा था और सफर के बारे में बताया था। वहीं डीजीपी अशोक कुमार के कार्यकाल के बारे में जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वैसे तो उनका कार्यकाल बेदाग रहा है, लेकिन रिटायर होने से पहले उन्होंने अपने ऊपर दाग जरूर लगा लिए हैं। मसलन हरिद्वार जिले में आतंकवादी का सहयोगी पकड़ा, लेकिन उत्तराखंड पुलिस को इसकी खबर तक नहीं लगी। इसके अलावा करण महारा ने अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि आज तक इस मामले में पुलिस ने वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं किया है। पुलिस वीआईपी के नाम का खुलासा करने के बजाय उसका बचाव करती हुई नजर आ रही है। ऐसे मामले का करण महारा ने जिक्र किया। खास है दून घाटी के लव बग्स मौसम से हैं, इसका कनेक्शन शोधकर्ताओं से जाने कहानी। दून घाटी में इन दिनों जंगलों और खेतों के आसपास लव बग्स खूब उठ रहे हैं। ये नारंगी मुंडी वाले काले कीड़े होते हैं, लेकिन साइंस की भाषा में यह कीट नहीं बल्कि फाइल्स यानी मक्खियां हैं। यह मौसम के परिवर्तन का संकेत देते हैं। पिछले सप्ताह से अचानक दून वाले में इन कीड़ों की मौजूदगी अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है, जो कि सीधे सीधे तेजी से नजदीक आ रही सर्दी का स्पष्ट संकेत है। ज्वेलरी शोरूम लूटकांड, देहरादून पुलिस को मिले मुख्य आरोपी अभिषेक की पीसीआर, दो आरोपियों पर इनाम घोषित। ज्वेलरी शोरूम लूट मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी अभिषेक को देहरादून पुलिस ने कस्टडी रिमांड पर ले लिया है। पुलिस अब रिमांड के दौरान आरोपी से लूट का सामान रिकवरी के लिए पूछताछ करेगी। मामले पर दून पुलिस अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है, जिसमें एक मुख्य आरोपी अभिषेक है। हालांकि पुलिस अभी तक लूट का सामान बरामद नहीं कर पाई है। पुलिस ने लूट मामले में 2 अन्य आरोपियों पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया, जबकि अन्य 2 आरोपियों पर पहले से ही 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित है। मामले पर अभी भी 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। एसटीएच में खुलेगा कुमाऊं का पहला कैथ लैब, हार्ट पेशेंट्स को नहीं काटने होंगे दिल्ली यूपी के चक्कर। सुशीला तिवारी अस्पताल में कुमाऊं का पहला कैथ लैब खुलने जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कैथ लैब को लेकर आज हल्द्वानी में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें जल्द से जल्द कैथ लैब के कार्य को शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। कालाडूंगी में मादा गुलदार पिंजरे में कैद, मासूम को बनाया था निवाला। हल्द्वानी वन विभाग ने मादा गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया है। बताया जा रहा है कि मादा गुलदार की उम्र 4 साल है और वह संभवतः कालाडूंगी रेंज में 5 साल की मासूम को निवाला बनाने वाली मादा गुलदार है। 41 घरों के दीप जलाकर उत्तराखंड में मनाई गई असली दिवाली, सीएम आवास पर जश्न जमकर झूमे धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सीएम आवास पर इगास भगवाल समारोह में भाग लिया। समारोह में उन्होंने सिलकियारा सुंग से बचाए गए 41 श्रमिकों में से कुछ के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित भी किया। 1 दिसंबर को आएगा डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस का देहरादून, डिक्लेरेशन जारी होगी, आपदाओं से लड़ने के तौर तरीकों की एडवाइजरी। देहरादून में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आज दूसरा दिन है, जिसमें टेक्निकल सेशन आयोजित हुआ। इस बीच विचार विमर्श पर निष्कर्ष निकालते हुए 1 दिसंबर को देहरादून डिक्लेरेशन आने की जानकारी दी गई। रिश्वत लेने वाले कानून को धनेश कुमार शर्मा को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने खारिज की याचिका। नैनीताल हाईकोर्ट में किच्छा तहसील के राजस्व उपनिरीक्षक कानून को धनेश कुमार शर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने धनेश कुमार शर्मा की याचिका खारिज कर दी है। हल्द्वानी में महिला कांस्टेबल की मौत, पुलिस परिवार में शोक की लहर। हल्द्वानी में महिला कांस्टेबल की मौत के बाद पुलिस परिवार में शोक की लहर है। महिला कांस्टेबल गीतांजलि कैंसर से पीड़ित थी, उनका चंडीगढ़ पीजीआई में उपचार चल रहा था। उत्तराखंड में निर्माणाधीन टनल्स का होगा सेफ्टी ऑडिट, धन सिंह रावत ने सफल रेस्क्यू के लिए किया हवन।
उत्तराखंड में टनल्स का सेफ्टी ऑडिट होगा। उत्तरकाशी सिलकेरा टनल हादसे के बाद ये फैसला लिया गया है। धनसिंह रावत ने इसकी जानकारी दी। धनसिंह रावत ने कहा कि केंद्र की ओर से भी इस दिशा में निर्देश दिए गए हैं। सिलकेरा टनल हादसे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, सीएम से पूछा क्या करेंगे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गुर्दियाल ने सिलकेरा टनल हादसे की दोषी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में सरकार की इच्छा शक्ति और प्रयासों पर भी सवाल खड़े किए हैं। रिटायर होने से पहले हरिद्वार पहुंचे अशोक कुमार, गंगा आरती में लिया हिस्सा। श्रमिक पुष्कर सिंह एरी की मां से सीएम धामी ने फोन पर की बात, कहा राज्य सरकार ने निभाया अपना वचन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू किए गए श्रमिकों से में से एक टनकपुर के श्रमिक पुष्कर सिंह एरी की मां से मोबाइल पर बात कर उनके बेटे पुष्कर के बारे में जानकारी दी। सीएम धामी ने पुष्कर की मां को बताया कि पुष्कर के साथ ही सभी श्रमिक सुरक्षित हैं। जल्दी हायर सेंटर में जांच करवाने के बाद पुष्कर सहित अन्य श्रमिकों को उनके घर भेज दिया जाएगा। इसी बीच सीएम ने कहा कि सभी श्रमिकों को कुशल बाहर निकाल कर राज्य सरकार ने अपना वचन निभाया है। वहीं इससे पहले भी सीएम धामी श्रमिक पुष्कर सिंह एरी के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे थे और परिजनों को ढांढस बंधाया था। अस्थायी पुल निर्माण के दौरान पिंड नदी में बहा 60 वर्षीय व्यक्ति, तलाश जारी। दूरवर्ती गांव हरमल में 60 वर्षीय व्यक्ति पिंड नदी की तेज धारा में बह गया। बताया जा रहा है कि 60 वर्षीय व्यक्ति पिंड नदी पर बन रहे अस्थायी लकड़ी के पुल में श्रमदान कर रहा था। उत्तराखंड के कार्यवाहक डीजीपी का ऐलान, आईपीएस अभिनव कुमार को मिली जिम्मेदारी। आईपीएस अफसर अभिनव कुमार को उत्तराखंड का कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। आईपीएस अफसर अभिनव कुमार 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। पांडव नृत्य में बाणों का कौतिक आकर्षण का केंद्र, दरमोला में लग रहा भक्तों का जमावड़ा। ग्राम पंचायत दरमोला में आजकल पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। यहां बाणों कौतिक लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरमोला में 12 दिसंबर को नौगरी कौथिक, 13 दिसंबर को गेंडे का कौथिक व सिरोता एवं 14 दिसंबर को नारायण के फल वितरण के साथ पांडव नृत्य का विधिवत समापन किया जाएगा। देहरादून में सड़क दुर्घटनाओं में आएगी कमी, एसएसपी ने बनाया प्लान। संवेदनशील स्थानों पर भारी वाहन प्रतिबंधित। भारी वाहनों से हो रही सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए एसएसपी अजय सिंह ने एक प्लान बनाया, जिसके तहत संवेदनशील स्थानों पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।